हर ईंट हर नक्श मोहब्बत के अब्दी रिश्ते का अमीन है, जहां वक्त रुक सा गया है और इश्क की कहानी अमर हो गई है। ये मकबरा एक दिल की खामोश पुकार है, जहां हर गोशा मोहब्बत की अमानत की गवाही देता, जहां हर गोशा उस मोहब्बत की गवाही देता है जिसे मौत भी जुदा ना कर सकी। फैजुल हसन कादरी का ये ताजमहल ताजमहल नहीं, मोहब्बत की वो खुशबू है जो सदियों तक फजाओं में महकती रहेगी। इस छोटे से ताजमहल की असल कहानी क्या है, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सत्रहवीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर कराया था। फन तामीर के इस बेमिसाल नमूने को आज भी लाफानी मोहब्बत की इलामत माना जाता है। लोग ताजमहल देखने आते हैं और खुद ब खुद शाहजहां और मुमताज महल की बेपनाह मोहब्बत का जिक्र होता जाता है। लेकिन अब भारत में एक और ताजमहल जेर तामीर है और मोहब्बत की एक नई दास्तान जन्म ले रही है। ये ताजमहल असल से ज़रा छोटा है, बल्कि काफ़ी छोटा, किसी खूबसूरत दरिया के किनारे भी नहीं और ना इसमें कंदाकारी का काम है और ना ही ये कीमती पत्थरों से मुजयन है। बस जज्बा वही है जो शाहजहां का था, यानी बेपनाह मोहब्बत। शाहजहां ही की तरह ये इमारत अब रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फैजुल हसन कादरी की जिंदगी का मकसद बन गई है। वो आगरा से तकरीबन 100 मील दूर बुलंदशहर के एक छोटे से गाँव में रहते हैं। उन्होंने अपनी अहलिया तजमली बेगम से एक वादा किया था, हमारी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी अहलिया को ये फिक्र रहती थी कि मरने के बाद हमारा कोई जिक्र भी नहीं करेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए मैंने ये वादा किया था कि अगर उनका इंतकाल मुझसे पहले हो गया तो उनके लिए मैं ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। हमने 58.5 साल साथ गुजारे। फैजुल हसन कादरी मामूली हैसियत के मालिक हैं, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फैजुल हसन कादरी कहते हैं कि काम मुकम्मल होने के बाद ये इमारत असल ताजमहल की तरह नज़र तो नहीं आएगी, बस उसकी परछाई ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये है कि मीनारों और गुंबद की वजह से ये इमारत ताजमहल जैसी नज़र आती है। हमने असल ताजमहल बनाने की कोशिश नहीं की और ना कभी वो बन सकता है और ना ही कोई बना सकता है। कुछ लोग शुरू में ये ज़रूर कहते थे कि ये पैसे का ज़िया है, लेकिन अब इस इमारत को इतनी शोहरत मिल रही है कि कोई कुछ नहीं कहता। फैजुल हसन की खेती की ज़मीन का एक हिस्सा, उनकी बीवी का जेवर और उनकी अपनी बचत सब इस यादगार की नज़र हो चुके हैं। उनकी उम्र 77 साल है और अब उनके पास वक्त और वसाइल दोनों की कमी है, लेकिन वो किसी से कोई मदद नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि किसी पीर का मज़ार या कोई खानकाह या इबादत नहीं है, ये मेरी बीवी का मज़ार है और अगर मैं किसी से कोई पैसा लेकर इसमें लगाऊं तो ये होगा कि कब्र चंदे की है और ये मैं नहीं चाहता। जिस तरह आगरा के किले से ताजमहल साफ नज़र आता है, इसी तरह अपने कमरे की खिड़की से फैजुल हसन भी अपना ताजमहल देख सकते हैं। और जैसे जैसे इस नए ताजमहल की खबर फैल रही है, आसपास के देहात से लोग इसे देखने आना शुरू हो गए हैं। ताजमहल देखने के लिए आने वाले एक शख्स के मुताबिक, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर भी ताजमहल बना है, ये बिल्कुल असल की तरह है। उन्होंने ये इमारत बनवा कर बहुत खूबसूरत काम किया है, जो आगरा नहीं जा सकता वो कम अज़ कम यहीं आकर देख ले। ऐसी मोहब्बत के किस्से तो बस किताबों में ही पढ़ने को मिलते हैं। फैजुल हसन और उनके ताजमहल का जिक्र कभी अफसानों में तो नहीं होगा, लेकिन उनके जाने के बाद जब भी लोग इस इमारत को देखेंगे, उनकी गैर मामूली दास्तान मोहब्बत का जिक्र ज़रूर किया जाएगा।